हेलो एवरीवन, रश्मि भंसाली हियर। आप सभी का स्मार्ट ब्रेन में स्वागत है फॉर टुडेज स्मार्ट वीमेन। आज का एपिसोड अबाउट थ्री थिंग्स हैं। पहला, जो हमें बीच पे जो स्टोन अवेलेबल होते हैं उसको हम डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं, 3D के ट्यूब्स घर पे कैसे बना सकते हैं और वो भी इजी वे से मनचाहे कलर के, और जो स्टोन डेकोरेट किए हैं उसके अरेंजमेंट्स हम किस तरीके से घर में कर सकते हैं और अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। तो आज लगने वाले मटेरियल, पेंटिंग ब्रश, गोल्डन कलर, ब्लैक कलर, दो बाउल, स्टोन्स, थोड़े से जो चपटे होते हैं बीच पे मिलते हैं उस टाइप के स्टोन, और बेबी पाउडर, जो टालकम पाउडर होता है बच्चों का वो, सेलो टेप, कुछ जिलेटिन पेपर कोन बनाने के लिए, सीज़र, सेलो टेप, इस तरीके की कुछ चीज़ें हमें लगने वाली हैं। सबसे पहले स्टोन को अच्छे से क्लीन करके लें, उसका एक्स्ट्रा का सैंड वगैरह निकाल लें। यूजुअली मैं फेविक्राइल कलर यूज़ करती हूँ, बट आप कैमल का भी यूज़ कर सकते हो। फेविक्राइल कलर अच्छा फिनिशिंग देता है। मैंने ब्लैक और गोल्डन कलर को चूज़ किया है। ब्लैक कलर के स्टोन पे कोई भी कलर अच्छा जाता है। प्लास्टिक शीट का एक कोन बना लीजिए। एक्चुअली कोन घर पे बनाने का फ़ायदा ये है कि इसमें लम्प्स नहीं आते हैं। आजकल मार्केट में 3D ट्यूब्स मिलती हैं, बट हमें जो कलर चाहिए वो कलर अवेलेबल नहीं है, तो हम खुद से ही बना सकते हैं। और मैं कोन इसलिए प्रीफर करती हूँ क्योंकि इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी मिलती है। तो चलो अब बनाते हैं 3D का कोन। सबसे पहले टालकम पाउडर 1 स्पून लो, उसके अंदर एक टेंटेटिव 1/2 स्पून कलर डालो। कलर लिक्विड ही प्रीफर करना है। अब मुझे थोड़े अंदाजे की आदत हो गई है, पर आप जैसे कि 1 स्पून पाउडर, 1/2 स्पून कलर और 1/2 स्पून फेविकॉल, इन तीनों को मिक्स करना है आपने। आपका मन चाहा जो भी कलर है वो ले सकते हो, और इसको अच्छे से मिक्स करना है, उसमें कोई लम्स ना रहे। अभी आपको इसका कलर थोड़ा सा फीका लगेगा, बट ये फेविकॉल इसमें डाला हुआ इसकी वजह से, जैसे ही फेविकॉल सूखेगा आपका कलर डार्क हो जाएगा। इसको अगर आप अच्छे से पैक करोगे तो ये साल दो साल तक सूखेंगे नहीं। बस यूज़ होने के बाद सामने के साइड से सेलो टेप लगा के इसको पैक करके रख दो। और अगर कलर पतला है थोड़ा सा कंसिस्टेंसी उसकी, तो फिर आपने 1 की जगह 1.5 स्पून टालकम पाउडर डालना है। और ये हमारे कोन रेडी हो गए हैं एनी टाइप के आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए। देखो ये घर पे बनाए हुए कोन इस तरीके से बनते हैं। आप इसको अपने मन चाह मोटा या पतला कर सकते हैं, इसकी जो तार बोलते हैं हम, तो इसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और देखना इसमें लम्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे। आपका जो भी मनचाहा डिज़ाइन है अब आप वो स्टोन पे निकाल सकते हो। इनफैक्ट आप कार्बन पेपर रखे ट्रेस करके भी डिज़ाइन को ड्रॉ करके उसके ऊपर भी कर सकते हो, या फिर सीधे सीधे ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस भी आप निकाल सकते हो। सीधी लाइन, आड़ी लाइन, ट्रायंगल या सर्कल, स्क्वायर, इन सब चीज़ों का भी यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। देखो एकदम सा इजी सा डिज़ाइन कैसा लग रहा है।
मैंने इसको थोड़ा सा मंडेला स्टाइल दिया है, आप आपके हिसाब से चॉइस से कर सकते हो। मुझे मंडेला डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। वन मोर आइडिया फॉर यू, चेक आउट ये आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है। हे गाइस, आप लोगों ने अभी तक मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक ऑन माय वीडियोस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल है रश्मि भंसाली, और मेरे यूट्यूब का इंस्टा हैंडल है स्मार्ट ब्रेन स्मार्ट होम स्मार्ट लाइफ। तो आप मेरे इन दोनों अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हो। हे गाइस, मैं और भी कुछ मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। हे गाइस, ब्लैक स्टोन पे गोल्डन कलर बहुत अच्छा जाता है, बट आप इसमें एकदम लाइट कलर भी यूज़ करके डिज़ाइन बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा जाता है। मुझे ब्लैक एंड गोल्डन कलर मेरे कलरफुल होम में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करता है, इसलिए मैं जनरली ब्लैक और गोल्डन कलर का यूज़ करती हूँ मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट में। वन मोर आइडिया डिज़ाइन का, और इन सब पेबल को लास्ट में मैं दिखाने वाली हूँ कि आप इसको अरेंज कैसे कर सकते हो, तो एंड तक वॉच करना। तो चलो, हमारे स्टोन्स तो बन गए हैं, अब इसका एक अरेंजमेंट्स देख लेते हैं। ये मेरे कुछ पहले बनाए हुए हैं जो आप आइडियाज़ के लिए देख सकते हो। स्टोन्स एक ट्रे या बास्केट में आप एक कैंडल या फ्लावर वॉस, इनके आजू बाजू आप इस तरीके से स्टोन के अरेंजमेंट्स कर सकते हो। आप इसमें कुछ इजी वाले आइडियाज़ भी देख सकते हो जिसमें मैंने बस सर्कल बनाए हुए हैं या सिर्फ ट्रायंगल बनाए हुए हैं। तो गाइस, ये है हमारा फाइनल लुक। आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना। गाइस, ये अपने घर में आप ट्राई ज़रूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में विथ न्यू एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।